देख रहे हो ज़्यादा जल्दी फट जाएगा ये, ज़्यादा टाइम नहीं टिकेगा। सो गुड बाय बडी, अब आपका साथ और हमारा साथ यहीं तक था। सो बाय बाय, बहुत अच्छा टायर था। फट चुका है। ओ भाई चेक कर रहे हो, चलो तुम बना लो, मुझे वैसे कुछ बात करनी थी, मैं रात को करती हूँ ठीक है। रात को? हाँ मैं तुम्हारा नंबर लगाऊंगी, रुक जा, तुम कभी नहीं बोल सकती ना मैं बाहर। ये चीज़ चेकआउट करो, स्पेशल डिमांड पे आया ये टायर, मिल नहीं रहा था भाई, खुद जाके लेके आए हैं खास मेरे लिए। सो ये 150 सेक्शन अपोलो अल्फा H1। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो टायर खुल चुका है एंड ख़त्म भी हो चुका है, गर्म है भाई लोग, अभी भी टायर गर्म है। सो अभी बंदे भेजेंगे और इनको चेंज करवाते हैं। और स्प्रॉकेट देखो भाई, ब्रूटल का स्प्रॉकेट कैसा है। एंड ये किस टायर की बात कर रहा था मैं, ये 180 सेक्शन का, एंड ये डला हुआ था पहले RC390 में, एक गैस 180 सेक्शन, ये चेक करो 186 एंड 73W, ये आ गया। सब्सक्राइब कर लूँ? ये आएगी अभी वीडियो इस पर अभी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज सचिन चंदेल एंड यू आर वाचिंग ब्रूटल राइडर चैनल। जैसे कि आप देख सकते हो फिलहाल मेरा मतलब टायर का हाल क्या हुआ है। सो वायर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से वायर निकल चुकी है एंड एक और जगह है अभी मैं दिखाता हूँ आपको, वहाँ से भी वायरिंग निकल चुकी है लेकिन टायर का, लेकिन मतलब बहुत बुरा हाल है। सो आज मैं जा रहा हूँ टायर चेंज करवाने। सो पहले मैं आपको इसका हाल दिखा देता हूँ, लाइक टायर जो कि है मेरा वो प्रॉपर ख़त्म हो गया है। सो भाई लोग ये चीज़ चेकआउट करो, मेरे को नहीं पता ये कांगड़ा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये देखो ऐसे दब जा रहा है ये अंदर। सो ये पूरा ख़त्म हो चुका है, टायर पूरा बैठ गया है, लाइक ऐसे हवा भी नहीं है इसमें, थोड़ी सी हवा होगी लाइक 20 pounds तक होगा। एंड आज मैं जा रहा हूँ टायर चेंज करवाने बिकॉज अभी बिल्कुल सही टाइम है टायर चेंज करवाने का। काफ़ी ज़्यादा बंदों ने कमेंट करा है मेरे मतलब वीडियोज़ के ऊपर कि भाई टायर चेंज करवा लो, टायर चेंज करवा लो। सो भी आपको आगे पता चलेगा कौन सा टायर डलवा रहा हूँ, बाकी सिलेक्ट करना है कौन सा बेटर है, सबसे बेस्ट कौन सा मेरे लिए रहेगा। सो वो वाला टायर डलवाएंगे एंड मैंने जो सोचा है अगर वो मिल गया तो वही डलवाऊंगा मैं, बिकॉज मेरे को भरोसा है उसके ऊपर, लेकिन फुल पावर भरोसा है। सो अभी निकल रहा हूँ सीधा टायर डलवाने के लिए एंड मिलता हूँ सीधा आपसे बाइक पे। ये वी गो अगेन बॉयज। सो बॉयज अभी बस निकलने वाला हूँ, टाइम चेक कर लेते हैं, 1 बजने वाला है, 12:58 हो गए हैं। सो अभी बस नेट ऑफ कर देते हैं एंड हियर वी गो। ग्लव्स बहुत जल्दी आ जाएंगे मेरे, मैंने ऑर्डर करे हुए ऑनलाइन एंड भाई की चाबी हर बार मैं भूल जाता हूँ, लाइक क्या चीज़ है ये, सबसे इम्पोर्टेंट और पता नहीं कहाँ पड़ी होती है। सो बॉयज निकलते हैं अभी। फाइनली कांगड़ा पहुंच चुके हैं एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ न्यू टायर के लिए, पता नहीं कौन सा सिलेक्ट कर लूँगा मैं, ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए बिकॉज इसमें NS में कोई भी टायर डल सकता है, लाइक मतलब वो आपके ऊपर आप कौन सा डलवाते हैं लेकिन डल जाते हैं। अगर मेरे पास KTM होता लाइक 150 सेक्शन टायर वाला होता तब तो मैं और ही पता नहीं कौन सा टायर डलवा लेता, लेकिन मेरे को ऐसा टायर चाहिए जिससे परफॉर्मेंस भी डाउन ना हो एंड माइलेज भी ड्रॉप ना हो, थोड़ा बहुत तो चलता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लाइक बिल्कुल ही माइलेज ड्रॉप हो जाए उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता, लाइक बैलेंस रहे सब कुछ, वो वाला टायर चाहिए मेरे को। और सबसे मेन मेरे को ग्रिप लीन एंगल बढ़िया चाहिए। सब थोड़ा दूरी है शॉप, बहुत दिनों बाद मैं ट्रैफिक में चला रहा हूँ, बहुत दिनों बाद। ब्रूटैलिटी बचा दी है पूरी, फुल पावर ब्रूटैलिटी।
टॉप पे एंड ये भाई की शॉप। सो चलते हैं अंदर, मिलते हैं भाई से। भाई 1:30 बज गया, आज मैं लेट हो गया। बढ़िया भाई। सो यहाँ पे डलवाना गाइस टायर एंड अभी देखते हैं कौन कौन सा टायर है भाई के पास। भाई लोग इट्स टाइम टू बर्न आउट। सो अभी आपको देखने को मिलेगा बर्न आउट बिकॉज यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, तो मैं आपको दूसरे एंगल से तो नहीं हुई लेकिन एक ही एंगल से देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे करते हैं बर्न आउट। पहले एक बार गुड बाय बोल देते हैं टायर को। देख रहे हो ज़्यादा जल्दी फट जाएगा ये, ज़्यादा टाइम नहीं टिकेगा। सो गुड बाय बडी, अब आपका साथ और हमारा साथ यहीं तक था। सो बाय बाय, बहुत अच्छा टायर था सीएट रेडक्स 1 एंड टायर फट चुका है, चेक कर रहे हो, फट गया। ओ भाई गर्म है पूरा, मेरे को लगा नहीं था ये इतना लेट फटेगा, जल्दी फट गया। सो अभी इसको करवाते हैं चेंज एंड मतलब खुलवाना पड़ेगा ये पूरा। सो भाई देख रहे हो क्या हाल हो गया इसका, फट गया सारा का सारा। ज़्यादा टाइम नहीं लगा वैसे, मेरे को लगा ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन एकदम से फट गया। सो अब खुलवाते हैं इसको, धुआँ देख लो कैसे निकल रहा है अभी तक भी टायर से, अभी तक भी धुआँ निकल रहा है। सो ये भी गो अगेन, करवाते हैं अब इसको चेंज। तो भाई लोग फटे टायर के साथ इस टाइम मैं चला रहा हूँ बाइक और बहुत अजीब सा फील हो रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है, लग रहा पता नहीं क्या है पीछे वो भाई। बाइक हीटअप हो चुकी है पूरी, टायर देख रहे हो फट गया है पूरा। ये देखो बीच से छेद हो गया इसमें। ग्लव्स नहीं है नहीं तो मैं फाड़ देता इसको खुद ही। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो टायर खुल चुका है एंड ख़त्म भी हो चुका है। गर्म है भाई लोग, अभी भी टायर गर्म है। सो अभी बंदे भेजेंगे और इनको चेंज करवाते हैं। और स्प्रॉकेट देखो भाई, ब्रूटल का स्प्रॉकेट कैसा है, एंड ये चेन आ गई है अपनी हैंड भाई, ख़तरनाक बर्न आउट मार के मज़ा आ गया। आप लोगों को मज़ा आया होगा तो लाइक कर देना वीडियो को। बाकी अभी टायर डलवाते हैं, सेलेक्ट करना है। अभी एक भाई ने दिखाया 180 सेक्शन का, अभी उसको देखते हैं चल के, आपको भी दिखाता हूँ मैं। तो किस टायर की बात कर रहा था मैं, ये 180 सेक्शन का एंड ये डला हुआ था पहले RC390 माई गैस 180 सेक्शन। ये चेक करो 186 एंड 73W। सो ये टायर भाई ये बहुत बल्क टायर है, बट ये नहीं डलवाना यार, माइलेज मर जाएगा मेरा बाइक का, पावर भी कम हो जाएगा। लो भाई रख दो इसको, सुपर बाइक लेंगे तो 180 डलवाएंगे, 200 तक डलवाएंगे, लेकिन अभी सुपर बाइक का कोई प्लान नहीं है। आएगा जल्दी सुपर बाइक भी, जल्दी आएगा तो उसमें डलवाएंगे। मेरे YouTube चैनल का नाम ब्रूटल राइडर। सो अभी भाई पूछ रहे हैं YouTube चैनल का नाम, तो अभी सर्च कर देते हैं। ये आ गया, सब्सक्राइब कर लूँ ये आएगी अभी वीडियो इस पर, अभी जो लेटेस्ट है वो तो ये है। अभी वाले भी है, अभी नहीं, अभी तो लेट आएगा, थोड़ा एडिटिंग में टाइम लगता है। ये देखो, हेलो ब्लॉग में आ रही है, बोल। चलो तुम बना लो, मुझे वैसे कुछ बात करनी थी, मैं रात को करती हूँ, ठीक है? रात को? हाँ मैं तुम्हारा नंबर लगाऊंगी, रुक जा, तुम अभी नहीं बोल सकती ना, मैं बाहर हूँ। क्या नहीं, क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला, चल चल चलो जाके इलाज कराओ। पढ़ तो भाई लोग ये चीज चेकआउट करो, स्पेशल डिमांड पे आया ये टायर, मिल नहीं रहा था भाई, खुद जाके लेके आए हैं खास मेरे लिए। सो ये 150 सेक्शन अपोलो अल्फा H1, और मतलब क्या ही तारीफ करूँ इसकी। और बाकी बहुत प्यारा है मेरे को ये, पहले ही मैंने डलवाया था अब फिर से आ रहा है। सो बॉयज फाइनली ये वाला टायर खुल चुका है एंड इसका साइज़ कुछ ये है, लाइक देख लो। और अभी अपोलो का साइज़ भी दिखाता हूँ आपको, अपोलो इससे थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा,
लाइक बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट थोड़ा सा पतला है, वो ज़्यादा वाइड है, ये थोड़ा पतला है। बाकी अभी हवा भर जाएगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कौन कैसा है। बट मैं आपको रिव्यू में बताऊंगा जब मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा टायर का रिव्यू, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि भाई लोग मैंने ये अपोलो क्यों डलवाया एंड सीएट क्यों नहीं डलवाया फिर से। सो आपको बता दूंगा मैं किस लिए मैंने ये चेंज करा। बट फाइनली गाइस अपनी ब्रूटल में अपोलो अल्फा H1 डल चुका है एंड हैव अ लुक, कुछ ऐसा आ रहा है लाइक मतलब बहुत खतरनाक लग रही है यार। सो आई एम एक्साइटेड टू राइड अपोलो अल्फा H1, लेकिन एक्साइटमेंट में बिल्कुल स्लो चलना पड़ेगा। टायर तो नया है बिल्कुल, बट नए टायर को बिल्कुल आराम से चलाना पड़ता है, लाइक बिल्कुल आराम से। एंड फर्स्ट द चेंजेस आए हैं मेरे को, बाइक हाइट में ऊंची लग रही है पीछे से, लाइक ऐसे ज़्यादा हाइट लग रही है बाइक की थोड़ी सी। सो भाई लोग तुम्हारा ब्रूटल राइडर टायर वगैरह डलवा के फुल फिटिंग वगैरह दे के घर पहुँच चुका है। घर क्या मतलब सीधा जिम ही आ गया था मैं, एंड देन मतलब लुक कुछ ऐसा आ रहा है एंड ऐसा लग रहा है कुछ टायर एंड भी एक्स्ट्रा रबर जो लगा हुआ मैन्युफैक्चरिंग। एंड मैंने इसका डेट चेक करा तो ये 2022 का है, तो मतलब लास्ट दिसंबर तक होगा ये। तो बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है एंड ये चेक करो बिल्कुल सॉफ्ट, ये तो बस दबाने से दब जाता है ये टायर, सीएट नहीं दबता था, ये बिल्कुल सॉफ्ट कंपाउंड है। एंड नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इसका रिव्यू करूँगा तो आपको पूरा बताऊँगा कि किस लिए मैंने अपोलो फिर से डलवाया। एंड भाई लोग क्या खतरनाक टायर है यार, लुक ही नहस हो गई है पूरी बाइक की। एंड यहाँ से देखो यार क्या लग रही है बाइक, मतलब इस टायर से हाइट भी बढ़ गई है बाइक की थोड़ी सी एंड चलाने में भी काफ़ी अच्छा है। बाकी लीन एंगल भी बहुत अच्छा, मतलब लाइक कंट्रोल में बाइक लीन हो रही है। बाकी मैं आपको बताऊंगा जब मैं इस टायर का रिव्यू दूंगा कि कैसा है क्या क्या हुआ है। अब इसको मैंने पहले यूज़ करा है, अब इसको थोड़ा सा और चलाऊँगा एंड फिर आपको रिव्यू दूँगा, बिकॉज स्विच करा है मैंने दूसरे टायर पर तो एकदम से फील पता चल जाता है। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर बता दूंगा कि क्या क्या चेंज फील हुआ मेरे को। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे भी अपोलो और आगे भी अपोलो अल्फा H1 ही है। सो अभी मतलब दोनों सेम टायर है तो और ज़्यादा अच्छा कंट्रोल आ गया बाइक के ऊपर एंड बहुत बढ़िया चल रही है, मज़ा आ रहा है बाइक को चला के। सो गाइस ऐसे ही आज की वीडियो को यहीं पे रैप अप कर रहे हैं, तो हिट द लाइक बटन एंड अगर चैनल पे नए हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है देख के और मन कर रहा है सब्सक्राइब करने का तो रुको मत, वेट मत करो, सब्सक्राइब कर लो अगर आपका मन कर रहा है तो। एंड ऐसी वीडियोस और आएंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए स्टे सेफ, वेयर हेलमेट एंड अच्छे से राइड करो, फुल पावर करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, वेयर हेलमेट, गुड बाय, टाटा।